जो काउंटर टिकट था वो आपसे गुम हो गया है। या तो अभी उस टिकट पे आपको जर्नी करना है या तो आपको उस पर रिफंड प्राप्त करना है। तो देखिए क्या होगा पूरे डिटेल में इसी वीडियो में, मैं आपके साथ पूरे चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना है। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको पता है क्या करना है, कर दीजिएगा। अगर और भी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो प्लेलिस्ट में आपको उसके रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, तो देख सकते हो वहाँ पे भी आप जाकर। आ जाते इस वीडियो की ओर। जैसे कि मैंने आपके साथ पहले ही बोल दिया कि जो काउंटर टिकट आपने निकाला है, जैसे कि आप रिजर्वेशन सेंटर पे जाते हो, एक फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने के बाद आपको एक टिकट मिलता है या राइट, अगर वही टिकट आपसे गुम हो जाए, जर्नी आपको जर्नी करना है या तो आप उसे कैंसिल करके उसे पैसा लेना चाहते हो, दोनों तरीके में अगर आपका जो टिकट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जर्नी करनी चाहोगे तो आपको वो टिकट पक्का चाहिए, आप अपने फ़ोन में फ़ोटो खींच के दिखाओगे तो काम नहीं चलेगा। अगर आप टिकट कैंसिल भी कर रहे हुए तो आपको कोई भी PRS स्टेशन, जो भी रिजर्वेशन सेंटर है, वहाँ पर आपको वो टिकट सबमिट करना पड़ता है, तभी वो एक नया टिकट इशू करते हैं जहाँ पर वो लिखा रहता है कैंसिल। अब यहाँ पर लोगों को क्या चाहिए कि वो टिकट आपसे गुम हो गया है, बट आपको यहाँ पर कैंसिलेशन चाहिए और उसके ऊपर रिफंड भी चाहिए। उसके बाद दूसरा सेक्शन आता है जहाँ पे आपको जर्नी ट्रैवल करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी में यहाँ पे बात कर लूँगा, कौन कौन सा करवा सकते हो आप, कौन सा आप नहीं करवा सकते हो। तो सबसे पहले मैंने जैसे ही एक सिचुएशन क्रिएट कर देता हूँ आपको आराम से समझाने के लिए, कि एक आदमी है जो पेमेंट करता है, यानी कि जब रिजर्वेशन सेंटर जाता है वो पेमेंट जो करता है वो कार्ड से करता है, यानी कि उसने फॉर्म लिया, उसने फॉर्म भर दिया, भरने के बाद जब उसे टिकट लेना था उस टाइम उसने कार्ड का इस्तेमाल किया, यानी कि टिकट प्राप्त करने के लिए उसने अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। तो वो एक पहला सिचुएशन हमने क्रिएट कर दिया। एक सेकेंड सिचुएशन में एक आदमी काउंटर पे जाता है, फॉर्म भरता है, फॉर्म भरने के बाद तब वो टिकट लेता है, वो पैसे के माध्यम से लेता है, यानी कि वो पैसा देता है या तो कैश देता है, यानी कि कैश या पैसा दोनों तरीके है, बट अगर कैश देता है समझ लीजिए। तो ये सिचुएशन टू है जहाँ पर पहला इंसान कार्ड का इस्तेमाल करता है और दूसरा आदमी कैश का इस्तेमाल करता है, यानी कि पैसा का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पे ऐसे दो सिचुएशन मैंने क्रिएट कर दी है। अब दोनों को लेते हुए मैं बहुत आराम से आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिफंड के लिए। तो रिफंड के लिए जो कार्ड का है ना, वो बहुत ही आसान तरीके से आपको मिल सकता है, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। अब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए, आने के बाद यहाँ काउंटर टिकट कैंसिलेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप अपना PNR नंबर डालते ही और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा, यानी कि जब आपने फॉर्म भरा होगा तो नीचे आप अपने अपना मोबाइल नंबर दिया होगा। अब देखिए अगर आपने मोबाइल नंबर भी नहीं दिया यहाँ पर तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको यहाँ पे, यानी कि टिकट कैंसिल नहीं करवा सकते आप। तो अब इसके लिए क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। अगर आपके पास PNR नंबर भी नहीं है तो भी मैं बताऊँगा क्या करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो अंदर देखना, मेरा यही एक चीज मांग रहा हूं आपसे, मैं कोई भी चीज स्किप मत करना प्लीज। अब देखिए यहां पे मैंने सीधी बात बोल दी, आपके पास PNR नंबर है। देखिए PNR नंबर कैसे आपको मिलेगा मैं समझाता हूं आपको। अगर इनकेस आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप जब भी टिकट करते हो तो आपको मैसेज के तौर पर टिकट उसी टाइम भेज देते हैं, यानी कि जब IRCTC है उसी टाइम आपको मैसेज के तौर पे भेज देता है। तो एक बार मैसेज सेक्शन ओपन करके देखिएगा, अगर आपने नंबर वहाँ करेक्ट डाला हुआ तो आपको आराम से उसका मिल गया होगा, कि यानी कि का जो टिकट है आपने बुक किया हुआ है। अब अगर आपने नहीं मिला होगा तो अगर आप कहीं ना कहीं PNR स्टेटस तो चेक किए होंगे ना किसी ऐप में, किसी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे हिस्ट्री पे जाके आप अपना PNR नंबर को वापस से प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। कम से कम PNR नंबर तो आए यार, अगर नहीं आ रहा है तो भी मैं बताऊंगा यार, तुम रुको वीडियो के एंड तक देखिए। तो ये करना क्या है, अभी जिनको भी टिकट कैंसिल करना है, जिनके पास जिन्होंने कार्ड से पेमेंट किया है, तो उनको बस IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। आने के बाद काउंटर टिकट कैंसिलेशन देखने के लिए मिलता है राइट। यहाँ पे आने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे PNR नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और दैट्स इट, विद इन अ सेकेंड आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा और जो रिफंड है वो 7 working days में आपके अकाउंट पे देखने के लिए मिल जाएगा। पर इन केस आपने कैश दिया है, यानी कि पैसा दिया है, अब यहाँ पर क्या होगा ना, आपको मैं सीधी सीधी भाषा में कह देता हूँ, जो रिफंड की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है, यानी कि जो रिफंड मिलने का ना बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा मिलता है, रिफंड नहीं मिलता, मतलब देखा जाए तो रिफंड नहीं मिलता है। बट फिर भी मैंने एक बोला है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब आपको नहीं मिल सकता यार, मतलब ऐसा रीज़न है, ऐसा रूल है कि जिन्होंने टिकट गुम कर दिया है उन्हें नहीं मिल सकता कैश। तो मैं इसमें भी कोई मदद नहीं कर सकता, बट आपको किससे अप्रोच करना है मदद के लिए ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए
देखिए दो चीज तो मैंने अभी तक आपको क्लियर कर दिया ना कि जिनको भी टिकट रिफंड लेना है तो कार्ड में आपको पॉसिबल है, बट कैश या पैसा दिया है उनको थोड़ा पॉसिबल नहीं है। अब आ जाते हैं जिसको जर्नी करना है, तो देखिए जर्नी करने में दोनों में सेम टू सेम है, यानी कि अगर आपको जर्नी करना है तो भी स्टेशन है वहां पे आप जाइएगा। स्टेशन पे जाने के बाद आपको वहां पे एक फॉर्म मिलेगा जहां पे आप उसे फॉर्म भरोगे, और भरने के बाद आपको एक डुप्लीकेट इशू किया जाएगा। अब डुप्लीकेट सबको इशू नहीं किया जा सकता, तो वो किन किन को इशू किया जाएगा? अगर आपका टिकट जो है वो फुल रिजर्व्ड है, यानी कि आपका जो टिकट है वो कंफर्म है, अगर वेटिंग लिस्ट है तो नहीं मिलेगा आपको, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, तो वो कंफर्म होना चाहिए। प्लस एक और चीज़, अब इसमें डुप्लीकेट इशू करने में ना आपको कुछ पैसे भी लगने पड़ेंगे, और वो 50-100 रुपये नहीं होगा, आपके टोटल फेयर यानी कि जितना भी आपने टिकट करवाया उसका 55% तक लगेगा। यानी कि अगर एक टिकट 100 रुपये का है, समझ लीजिए, चलो 100 रुपये का तो नहीं होता है, चलिए 1000 रुपये ले लेते हैं, एक टिकट 1000 रुपये का है, अगर मैं गुम हो गया मेरे से, अब मैं जाऊँगा डुप्लीकेट इशू करवाने रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पे मुझे 500 रुपये तक पेमेंट करना पड़ जाएगा। अब ये तो हो गया जनरल वाला, यानी कि नॉर्मल ट्रिप टिकट होता है। अगर इन केस तत्काल है तो तत्काल तो वैसे ही रेयर केसेस में गुम होता है, बट अगर गुम भी होता है तो वो इशू भी रेयर केसेस में ही होता है, मतलब ऐसा नहीं कि तत्काल हो गया तो आपको जल्दी दे देगा, ऐसा नहीं है, वो बहुत ही रेयर केसेस में आपको वो डुप्लीकेट काउंटर टिकट आपको इशू किया जाएगा। अगर वो इशू भी किया जाएगा ना तो पूरा टिकट का पैसा आपको भरना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैंने काउंटर टिकट निकाला 1200 रुपये का, यानी तत्काल का, और मुझे गुम हो गया तो मुझे पूरा 1200 रुपये भरना पड़ेगा। बट अगर वहीं हम जर्नल में आ जाते हैं, यानी कि जो नॉर्मल टिकट होता है वहाँ पर मैं अगर 1200 का जो टिकट है मैं वहाँ 600 रुपये भरूंगा। तो यहाँ पर इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान रखिएगा। और मेन चीज़ क्या है, आपको यहाँ पर फुल टिकट या ऐसा वैसा नहीं, मतलब आपका जो रिजर्व सीट होना चाहिए, आपका वेटिंग लिस्ट में होगा तो नहीं मिलने वाला। अब देखिए ये तो नॉर्मल हो गया, मैंने जैसे आपको शायद पहले ही बता दिया कि किस तरह आपको रिफंड ओनली कार्ड वाले सेक्शन में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, पर इन केस अगर आपने पैसा दिया तो वो थोड़ा भी यार पॉसिबिलिटी उसकी थोड़ी कम है। बट अब यहाँ आ जाते हैं जो जर्नी के लिए, तो जर्नी के लिए मैंने आपको बता दिया स्टेशन पर जाइएगा, और जाने के बाद डुप्लीकेट आप इशू करवा सकते हो जिनके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ जाएंगे, यानी कि एक तरह का 50-50% तक आपको कुछ चार्जेस लग जाते हैं टोटल फेयर में, और तत्काल में पूरे ही लग जाते हैं, बट वो बहुत ही रेयर केसेस में इशू होता है। अब देखिए मैंने यहाँ तक तो आपको समझा दिया, बट ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास PNR नंबर भी नहीं होता है, करेक्ट? अब PNR नंबर नहीं है यार, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो देखिए सिंपल सी बात है यार, जब काउंटर टिकट निकालते हो ना तो वहाँ पर एक आइडेंटिटी होता है, मतलब अगर एक काउंटर टिकट जो होता है ना एक आइडेंटिटी के लिए काम करता है। अब आइडेंटिटी क्या काम, जैसे कि देखिए यार आप टिकट जो होता है ना एक आइडेंटिटी होता है, उसी टिकट से आप जर्नी कर सकते हो, उसी टिकट से आप कैंसिल भी कर सकते हो। अब वो टिकट गुम हो गया आपसे तो यार आपका आइडेंटिटी खत्म हो गया, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो टिकट मैंने ही बुक किया हुआ। तो मेन चीज़ आप समझ रहे हो ना मैंने क्या कहना चाहता हूँ। अब देखिए यार आपको मैं ऐसे कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे आप अपना PNR नंबर तो पता लगा ही सकते हो। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपने जब टिकट किया होगा तो आपको ये बात तो याद होना चाहिए कि आपका सीट नंबर कौन सा, ठीक है, याद है? वेल एंड गुड, मैं बताऊंगा। अगर आपको ये याद नहीं है, आपको कुछ भी याद नहीं है मतलब लिटरली आप समझ भूल चुके हो, तो देखिए यार इसमें आपको एक ही मदद करेगा, जहाँ पे आपने रिजर्वेशन सेंटर पे जहाँ पे आपने टिकट बुक किया है वो आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपने जिस सेक्शन पे, यानी कि जो कॉलम होता है ना, जो ब्लॉक होता है, जो ABCD लिखा होगा या 1-2-3 लिखा होगा, यानी कि जो डब्बे में बैठे होते हैं यार एक तरह से, मतलब अलग अलग सेक्शन में बैठे होते हैं ना, उन लोगों से अप्रोच कीजिए, उन लोगों को बताइए कि ऐसे टाइम में मैंने टिकट निकाला था, अगर इनके साथ आपका मोबाइल नंबर करेक्ट रहा तो उनके थ्रू भी आपको नंबर मिल सकता है। पर अगर आपने मोबाइल नंबर भी रॉन्ग दिया हुआ है या PNR नंबर नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, तो भाई यार बहुत ही पॉसिबिलिटी कम हो चुका है, मतलब आप मतलब ना के बराबर है कि आपको टिकट का रिफंड मिलेगा या आप जर्नी ट्रैवल करोगे। तो यार देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है, जिसका वेटिंग लिस्ट होता है तो वो तो करेक्ट है, जैसे वो टिकट रिजर्वेशन सेंटर से करवा के निकलेंगे तो वो PNR स्टेटस पक्का चेक किए होंगे, या तो ऑफिशियल वेबसाइट पे किए होंगे या तो आप अपने गूगल क्रोम में या किसी ऐप में, तो प्लीज़ उनका हिस्ट्री चेक कीजिएगा, शायद आपको वहाँ पे आपको PNR नंबर देखने के लिए मिल जाए। अब देखिए ये सारी प्रॉब्लम हो चुकी है, बट आप किससे अप्रोच करोगे अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो देखिए सबसे पहली बात तो देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन है 139 पे कॉल करना है। बट अगर वहाँ 139 पे जैसे बोल रहे हैं कि मेरे पास इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, तो अगर आपको इन सब के बारे में जानकारी नहीं है तो उसके बाद आप स्टेशन पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव है वो आपकी मदद करेंगे इन चीज़ों में। तो सबसे पहली बात तो यही होता है कि जो काउंटर टिकट होता है ना पहली रेयर केसेस होता है, यानी बहुत कम लोग ही गुम करते हैं, बट गुम भी होता है ना तो यार यहाँ पे जो पॉलिसी ऐसे ऐसे है कि उन्हें आप छोड़ नहीं सकते, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा,
और यही पॉलिसी कहता है कि रिफंड पॉसिबल नहीं है। पर अगर आपको लग रहा है कि यार मैं डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि समझ सकते हो जिसने कैश दिया है वो तो वहाँ पर रिफंड नहीं मिल रहा आपको, बट इन केस बहुत लोग तेज होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि यार मैं डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ फिर कैंसिल कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। मतलब अगर आप डुप्लीकेट क्रिएट करते हो तो उसे आप कैंसिलेशन नहीं करवा सकते हो, या तत्काल हो या नॉर्मल हो। जर्नी करने के लिए आपको जस्ट वो टिकट आपको उपलब्ध रहेगा, वो आपको टीटी ही वहाँ पर दे सकता है और कोई नहीं दे सकता, ये चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। तो कुछ समझ आ गया होगा ना, मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है। अगर और भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और एक और चीज़, जाने से पहले आपको पता क्या करना है, कर दीजिएगा, अगर और भी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो IRCTC या किसी तरह का भी काउंटर टिकट, तो आपको प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा IRCTC का, या और भी कोई दूसरे टॉपिक रिलेटेड आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उसके विद सोल्यूशन वीडियो मैंने पहले प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, तो वहाँ से देख के आप अपना हेल्प ले सकते हैं। मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।